हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूँ आपके साथ गुंजन मित्तल, और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। अक्सर हम अपने शरीर में होने वाले किसी खास बदलाव या दर्द पर ध्यान नहीं देते और हर तरह के लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही सोचते हैं कि वक्त के साथ ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि 40 साल की उम्र के बाद हमारी किडनी की कार्यकुशलता में हर साल 1% की कमी आती जाती है। इसलिए वक्त रहते इनके लक्षणों को पहचानना और अपनी किडनी को स्वस्थ रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाल ही में 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया था। क्या है इस दिन की अहमियत, तो कैसे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पारस हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर PN गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार गुंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, हर साल भारत में लगभग 2 लाख लोग किडनी की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये। इसलिए किडनी की हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। तो एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, आप क्या बोलना चाहेंगे इस दिन की अहमियत के बारे में, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन और क्या अहमियत है इस दिन की? एक्चुअली वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय गुर्दा दिवस का लॉन्च जो हुआ वो 2006 में हुआ। इस दिवस को इसीलिए लाया गया क्योंकि किडनी अमूमन तौर पर शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाती और हम लोग अपनी किडनी की सेहत की तरफ जागरूक नहीं होते। 2006 से हर वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है और ये मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को होता है। हर वर्ष इस दिवस की एक थीम होती है। इस वर्ष की जो थीम थी वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिजिंग द गैप ऑफ अवेयरनेस। मतलब हमको जागरूक होना है जिससे कि हमारी किडनी की हेल्थ सिक्योर रहे। जी डॉक्टर, ये बताइए किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसके किडनी का स्वस्थ होना कितना जरूरी है और हमारे शरीर में किडनी का क्या क्या कार्य है? किडनी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। किडनी सिर्फ अमूमन भाषा में अगर कहें तो सिर्फ किडनी खून साफ कर रही है, पर ऐसा नहीं है। किडनी एक्चुअली और भी सारे काम कर रही है। खून की सफाई करना उसका एक प्रमुख काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम है रक्तचाप को नियंत्रण में रखना। किडनी की बीमारी में रक्तचाप बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है और बढ़े हुए रक्तचाप से किडनी की समस्या आना भी स्वाभाविक है। इसी के साथ किडनी में एक्टिव विटामिन डी की सिंथेसिस होती है जो कि हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। चौथा महत्वपूर्ण काम है इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इन सब की मात्रा को खून में एक नियंत्रण लेवल पर रखना किडनी का एक महत्वपूर्ण काम। पांचवा जो और भी महत्वपूर्ण कार्य है वो है खून का बनाना। किडनी से एक हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोटिन के नाम का, जो कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखता है। तो किडनी सिर्फ खून की सफाई नहीं करती बल्कि बहुत सारे काम और भी करती है। किडनी की समस्या के साथ साथ पूरे शरीर में जो किडनी टॉक्सिन्स निकालती है, अगर किडनी खराब होती है तो वो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं और वो शरीर के हर अंग पर अपना एक छाप छोड़ते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर, ये बताइए भारत में किडनी के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं 2 लाख मरीज हर साल आ रहे हैं किडनी के, तो इसकी क्या बड़ी वजह है? इसकी वजह हम खुद ही हैं। एक्चुअली हमने जो अपनी जीवन शैली में चेंज कर दिया है वो हमको किडनी की बीमारियों की तरफ धकेल रही है। जो किडनी बीमारी के दो प्रमुख कारण पूरी दुनिया भर में और हमारे देश में भी हैं, वो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। पाश्चात्य शैली का अपने जीवन में लाना हमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तरफ धकेल रहा है और यही दो प्रमुख कारण है जिससे कि हमारी किडनी इस वक्त ग्रस्त हो रही है और हमको बढ़ते हुए नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये बढ़ते हुए नंबर अभी और भी बढ़ेंगे जिस तरह से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पहले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रूरल एरिया, गांव के एरिया में नहीं होती थी, अब यह बीमारी वहां पे भी पहुंच रही है। तो किडनी की जो मुख्य कारण, किडनी की समस्या के जो मुख्य कारण है डायबिटीज ब्लड प्रेशर है। इसी के साथ साथ हम अनावश्यक दर्द की दवाइयों का सेवन करने लगे हैं, वो भी नुकसानदायक है। वही अगला मेरा सवाल था कि वो कौन सी दवाइयां हैं जो हमारी किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं? एक्चुअली किडनी जितनी भी दवाइयां इस वक्त मेडिकल साइंस के पास हैं,
ज्यादातर दवाइयां किडनी से ही एक्सक्रीट होती हैं, मतलब उनका शरीर में टूटकर पेशाब के रूप में ही निकाली जाती हैं ज्यादातर दवाइयां। कुछ दवाइयां लिवर से भी निकलती हैं। जो सबसे किडनी के लिए नुकसानदायक दवाइयां हैं वो है दर्द की दवाइयां, पेन किलर्स, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, रोफिक्सिमैब, ये सारी दवाइयां किडनी के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं अगर हम इनको लंबे समय तक अनावश्यक रूप से लेते रहें। तो मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है, अगर आपको घुटने का दर्द बहुत लंबे समय से चला आ रहा है या सिर में दर्द हो रहा है तो कृपया उसकी जांच जरूर करा लें, कोई और वजह तो नहीं है, और अनावश्यक दर्द की दवाइयों का सेवन ना करें। डॉक्टर ये बताइए किडनी से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और इनके लक्षण किस तरह पहचाने जा सकते हैं समय रहते हैं? एक्चुअली किडनी बहुत महत्वपूर्ण अंग तो है पर वो बहुत स्मार्ट भी है। स्मार्ट में इसीलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि वो लक्षण नहीं देती अपनी खराबी के, और जब लक्षण देती है तो वो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके होते हैं। किडनी बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं वो होते हैं चेहरे पर या आंखों पर सूजन आना, चलते में सांस का फूलना, भूख कम लगना, लगातार जी मिचलाना या उल्टी आना, शरीर में खुजली होना, कमजोरी और थकावट महसूस होना। ये ऐसे लक्षण हैं जो बहुत सारी बीमारियों में मिलते हैं, परंतु किडनी की बीमारियों में अगर इन लक्षण हैं तो हमें अपनी किडनी के टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। जी डॉक्टर ये बताइए किडनी की जांच के लिए आप समय समय पर कौन से टेस्ट करवाने की सलाह देंगे और ये टेस्ट किस उम्र के बाद करवाने चाहिए? गुंजन जी ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण और उचित सवाल पूछा। किडनी की जांच के लिए दो सिंपल टेस्टों की हमें जरूरत होती है, एक खून की जांच जिसको हम कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन और एक पेशाब की जांच जिसको हम कहते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। ये दो इतने सरल और आसान टेस्ट हैं जो घर की आसपास किसी भी लेबोरेटरी में कराए जा सकते हैं। तो जिन लोगों को अपनी किडनी की जांच करानी है वो ये दो टेस्ट जरूर करा लें, एक सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। इन दो जांचों से हम किडनी की बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। तो किस उम्र के बाद करवाने चाहिए ये टेस्ट? ऐसा कहना गलत होगा कि हमें किसी एक पर्टिकुलर उम्र के बाद कराने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए क्या हम किडनी की बीमारी के लिए एट रिस्क हैं, मतलब क्या मुझे किडनी की बीमारी आने की संभावना है, तो हमें ये टेस्ट साल में एक बार कराने चाहिए। जिन मनुष्यों को किडनी की बीमारी आने की संभावना होती है वो होते हैं जिन मरीजों को लंबे समय से डायबिटीज है, मधुमेह की बीमारी है, लंबे समय से उच्च रक्तचाप की बीमारी है, लंबे समय से दर्द की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, या जिनके फैमिली में किडनी की बीमारी की हिस्ट्री है। तो इन चार ग्रुपों को अपने नियमित रूप से टेस्ट जरूर कराते रहने चाहिए। आपने अभी कहा कि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी वजह है जो हमारी किडनी पर असर डालती है, किडनी की हेल्थ पर असर डालती है, तो डेली बेसिस पर हमारी वो कौन सी गलतियां जो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है? हमारी लाइफस्टाइल गुंजन जी इस वक्त इतनी खराब हो गई है, और एक्चुअली डायरेक्ट लाइफस्टाइल किडनी पर असर नहीं डाल रही, उस लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जो शरीर में ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से किडनी की समस्या अब हमें बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। हमें जैसा आज से हम 60-70 साल पहले रहते थे, सुबह नियमित रूप से जल्दी उठकर थोड़ा सा व्यायाम करना, ताजी सब्जियां, हरे ताजी फल व पौष्टिक आहार करना जिसको कि हम कहते हैं बैलेंस डाइट, एक उचित मात्रा प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो जॉगिंग हो या जिम में जाएं या योगा करें, जिस तरह से भी हमें ओबेसिटी से बचकर रहना हो। डॉक्टर ये भी बताइए किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत कब पड़ती है और किडनी ट्रांसप्लांट में कितना खतरा होता है? किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत उन मरीजों को पड़ती है जिनकी किडनी हमेशा के लिए फेल हो गई है, जिसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, मतलब किडनी का फंक्शन 15% से कम है और अब शरीर में टॉक्सिन्स इतने इकट्ठे हो गए हैं जिसको बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती। तो जिन मरीजों का किडनी फेलियर 15% से कम किडनी काम कर रही है उन मरीजों को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अमूमन तौर पर ट्रांसप्लांट 65 साल से कम उम्र पर करा जाता है। तो इसमें खतरा कितना होता है? मुंजन जी खतरा तो हर सर्जरी का है, डॉक्टर कितना भी काबिल हो, सर्जरी कितनी भी छोटी हो,
हर सर्जरी का अपना उसके साथ एक रिस्क चलता है। जैसे अगर मैं गाड़ी चलाता हूं तो एक्सीडेंट होने का रिस्क मेरे साथ साथ चल रहा है, इसी तरह से किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी का भी रिस्क उसके साथ चलता है। परंतु लॉन्ग टर्म डेटा अगर हम देखें, 1954 से जब ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम शुरू करा गया था विश्व भर में, तब से कॉम्प्लिकेशंस की रेट बहुत मिनिमम है और यही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर ये बताइए, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है इंसान जिसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, और जो डोनर है वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? जी, किडनी ट्रांसप्लांट जिसका हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ही वो एक नॉर्मल जीवन जीता है। डायलिसिस पर एक नॉर्मल जीवन नहीं जी सकते। अगर हम किसी बच्चे का ट्रांसप्लांट करते हैं तो समय के साथ जब वो बड़ा होता है तो अपनी नौकरी भी करता है और शादी करके बच्चे वगैरह भी होते हैं। ऐसी चीजें डायलिसिस पर थोड़ी सी कम देखी मुश्किल हो जाती। जाती है जी। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ही एक मनुष्य को एक नॉर्मल जीवन मिलता है, परंतु उसमें उसको दवाइयां रेगुलर बेसिस पर और अपने टेस्ट समय समय पर कराकर देखते रहना पड़ेगा। रही बात दानदाता की, दानदाता की किडनी तभी ली जाती है जब उसकी जीवन सिक्योर्ड होता है। एक किडनी निकाल देने के बाद लंबे समय तक के बाद ब्लड प्रेशर आने की थोड़ी संभावना होती है और कोई इसमें मेजर रिस्क नहीं होता है। किडनी दानदाता की दवाइयां 4-5 दिन चलती हैं, उसके बाद उसकी सारी दवाइयां बंद हो जाती हैं और वह पहले के रूप से ही अपना जीवन नियमित रूप से जीते हैं। डॉक्टर ये बताइए, किडनी डायलिसिस क्या होता है और किन परिस्थितियों में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है? किडनी डायलिसिस बेसिकली एक आर्टिफिशियल तरीका है खून की सफाई करने का। जिन मरीजों की किडनी का फंक्शन 15% से कम हो गया है, उन मरीजों के टॉक्सिन्स जो शरीर में इकट्ठे हो रहे हैं, खून में इकट्ठे हो रहे हैं, उनको रेगुलर हमें क्लीन करना पड़ता है। तो एक आम बात को कहने के लिए डायलिसिस एक तरह का प्रक्रिया है जिसमें कि खून की सफाई करी जा रही है एक आर्टिफिशियल किडनी से। यह प्रक्रिया आमतौर पर हफ्ते में 2 से 3 बार करी जाती है और हर सेशन 4 घंटे का होता है। चलते चलते डॉक्टर आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को कौन सी आदतें हैं जो हमारी मदद कर सकती है अपनी किडनी को हेल्दी रखने में? जी गुंजन जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बेसिकली हम इसको मंत्रास के रूप में कह सकते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जो मंत्र हैं वो हैं, डेली 6 से 8 ग्लास पानी का सेवन करें। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। पौष्टिक आहार, एक बैलेंस्ड डाइट का सेवन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अनावश्यक दवाइयों का सेवन ना करें। इन चीजों को करने से हमारी किडनी काफी हद तक सिक्योर रह सकती है। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा कि बीमारियों से बचने के लिए हम सभी को अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम क्या खाते हैं और कितनी एक्सरसाइज करते हैं, इन सब का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए सभी को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। हम हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com
and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.